हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं, 6:30 हो चुके और अभी हम लोग बस रूम से निकले और अदी भाभी कर रही है रूम की सफ़ाई, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो फिर दिन भर ही सफाई होती रहती है, गंदा रहता है रूम। और लाइट भी आ चुकी है तो अदीबा और बच्चे खेल रहे हैं नीचे, सैयद और मुस्तफ़ा भी नीचे गए हुए हैं। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बल्लू, ये फिर पैर में दर्द होगा। बाबा ऊपर नीचे कर रहे हैं, जाइए खेलिए, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। बेटू बाय बाय मेरे बेटे, नीचे देख के जाइएगा। और सब बच्चे खेल रहे हैं नीचे, क्योंकि सिस्टर भी आई हुई है, बड़े पापा की बेटी, उसके बच्चे भी सब आए हुए हैं, तो सब लोग अभी बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं किचन में और अजान का भी टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मशीन लगी हुई है क्योंकि अम्मी यहाँ पे कपड़े सब धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, और सुबह भी बहुत सारे कपड़े धोए गए हैं, तो फिर वो मैंने सब धो दिए। तभी अदीबा ने तह करके रखा हुआ है और अदीबा कर रही है सफाई। चप्पल तुम्हारी कहाँ गई? मुस्तफ़ा सबकी चप्पलें फेंकता रहता है। तो किचन पूरा क्लीन है अदीबा का, अदीबा ने क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी एक न्यू डिश। मैं किस लिए बना रही हूँ, मैं अभी ये भी बता देती हूँ, इसकी भी असलियत बता देती हूँ, क्योंकि चिकन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोनलेस चिकन जो है भीग कर रखा हुआ है। तो अभी अब्बा जा रहे थे चिकन लाने के लिए, मैंने मना कर दिया कि नहीं चिकन नहीं लाइएगा, बस इतना चिकन, बच्चे मेरे खाते नहीं है पीस बहुत, शायद ही अगर मैं ज़बरदस्ती खिला दूँ तो खा लेते, नहीं तो खाते नहीं हैं। तो अभी ये और थोड़े से मैंने अदीबा से जो है आलू बॉयल करवाया है, चिकन और आलू का भी मैं एक तरह की अभी बिरयानी बनाऊँगी। तो जैसे बनेगी, पहली बार बना रही हूँ, हो सकता है अच्छी बन जाए, एक यूनिक डिश हो जाए, तो जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसी बनती है, क्या बनती है। क्योंकि जब चीज़ कम है तो उसमें मैंने सोचा आलू ऐड कर देते, तो फिर हम उसको ज़्यादा बना देते, बढ़ा देते, तो हो जाए, ये चिकन भी वेस्ट ना हो। तो चलिए अभी देखते हैं, अजान नमाज के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मुस्तफ़ा आ गए हैं, मुस्तफ़ा जा रहे हैं पेड़ों में पानी डाले ना। मुस्तफ़ा कौन से पेड़ में डालो? और नीचे करके बेटा, और नीचे करके, और नीचे बॉटल करके बेटू, और इसमें 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 मैं बच्चा पेड़ों को पानी पिला रहा है। और थोड़ा सा, अभी बच्चा नन्ना बच्चा है, बस 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 हो गया। मुस्तफा खाने में क्या खाना है? बिरयानी है बेटू, बिरयानी हो गया। अच्छा, चलो वाले में थोड़ा सा डाल दो, ये वाले में थोड़ा सा डाल दो, ये वाले में। आगे हैं किचन में, अदीबा से प्याज कटवा रहे हैं, अदीबा प्याज कट कर रही है चिकन बघारने के लिए। आज क्या बनाएगा अदीबा? है कैसे बनती है मटन और आलू और चिकन और आलू की बिरयानी बनती, पर हम लोगों ने कभी बनाई नहीं है ना, कभी खाई भी नहीं है शायद। हाँ बनती है, तो आज बना कर देखते हैं अपने स्टाइल से, क्योंकि हम लोगों ने इसको यूट्यूब पर देखा भी नहीं कैसे बनती है। क्या गर्मी इतनी है कि देखने का दिल भी नहीं कर रहा, तो आज खुद ही बना कर देखते हैं कि जब चीज़ कम हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। और इधर रख गई है कढ़ाई, अदीबा की प्याज कट हो जाती है फिर, और इसमें आलू बॉयल हुए हैं। और ये है शाम का खूबसूरत सा व्यू, अरे मेरा बच्चा कहाँ जा रहे? आ लो, कहाँ जा रहे थे आप? नहीं जा रहा हूँ, नहीं जाइए जाइए बेटा, जाइए 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 जाइए, कहीं नहीं जा रहा था। ठीक, यहाँ पे अभी जो बॉयल आलू है उसको हम लोग कर रहे हैं फ्राई, और अच्छा सा प्यारा सा उसमें ब्राउन कलर लाना है, इस तरह के जैसे हर तरफ से इस तरह से हमको फ्राई कर लेना है। और प्याज हमने फ्राई करके इधर निकाल लिया था, ये चंडी उसको फैला के रख लिया है, और ये चिकन है, और इसमें हल्का सा कलर लगा दिया। और अम्मी हम लोगों को तीन बार आके डांट चुकी है, इतना सा चिकन उसकी बिरयानी बना रही, खड़ी तभी देखिए टेस्ट की कैसी होती, कैसे बनती है।
नहीं, अम्मी चिल्लाए से रही है कि मुस्तफ़ा ने एक तो फरमाइश की है और फिर तुम आप जो चिकन मंगाने का ले रही है। मुस्तफ़ा से हम लोगों ने पूछा कि मुस्तफ़ा खाने में क्या खाना है, तो बोला बिरयानी खाना है। तो उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगी, तो पहले नहीं अम्मा आज बिरयानी बनाएगी, तो उसमें थोड़ी बिरयानी बना रही। भाई अम्मी चिल्ला रही हैं कि एक तो बच्चे ने फरमाइश की, ऊपर से बिरयानी भी जो है इस तरह से बन रही है। ठीक है, सभी आलू को फ्राई करके निकाल लेते हैं। और यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट, और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसमें चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। स्लो कर दिया ना, बस अब अधिका से बनवाना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने बोला प्याज कट करके उसका पेस्ट बना दो, क्योंकि थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा है नहीं तो हम लहसुन अदरक का कितना डालें, क्योंकि फिर लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा हमने अधिका से क्या प्याज का पेस्ट बना दो, तो प्याज का पेस्ट बन जाए। और इधर ये प्याज निकाल के रख दिया है इसमें, और आलू बॉयल रखे हैं। अधिका कट कर रही है प्याज, प्याज का बनेगा पेस्ट। अच्छा ओके, डाल दिया ना, अभी है आधा छोटा चम्मच अभी डालना है गरम मसाला पाउडर। इधर चिकन जो है भून रहा है, और किनारे किनारे से इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। एक चम्मच भर के इसमें डाल दिया है दही, दही के साथ भी अभी इसको 3 से 4 मिनट तक इसको भूनूंगी, और उसके बाद कवर करके 5 मिनट के रख दूँगी कि चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। चिकन जो है वो हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा लाना है स्मोकी फ्लेवर। यहाँ सारी नई नई चीज़ें बिरयानी में हो रही है, इधर ये हो रहा है और इधर जो है बिरयानी का पानी चढ़ गया है, चढ़ा दिया है बिरयानी का पानी। इसमें डाला है नमक, हरा मिर्चा और दालचीनी की लकड़ी। समीना इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालती, पर बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे अधिका जो है अदरक पीस कर इसको, स्टोर करें क्योंकि ख़त्म हो गई। और ये जब लहसुन और अदरक ये सब पिसा रखा रहता है फ्रीज़र में, तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है खाना बनाने में। अचानक से मेहमान आ गए या लाइट नहीं, हमें कुछ बनाना है, तो हम 10 दिन का 15 दिन का इसको पीस कर, मैं भी यही करती हूँ मेरे घर में, ज़्यादातर सभी लोग यही करते हैं। तो इधर चल रहा है अदीबा का ये वाला काम, और इधर पानी जो है बॉयल हो चुका है, और इसमें लग रही है लेयर। और एक तरफ आलू मैंने डाला है, फिर चिकन डाला, फिर तली हुई प्याज डाल दिया, गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे दम पे जो है वो बिरयानी लगा दी है समीना पी ने, खुशबू जो है वो अच्छी आ रही है। और सैलड भी बना दी है, इसमें धनिया पत्ती जो है उसे कट करके डालना है, और रायता बनाना है, तो पहले मैं वो कर लेती हूँ।